हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का एक टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिसका नाम है IUCN क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो IUCN की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, IUCN के बारे में देखेंगे IUCN क्या है। और मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है IUCN बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको दो चैप्टर्स में हेल्प करेगा, साइंस के दो चैप्टर्स में। एक नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, वहाँ पर हेल्प करेगा, और एक बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, वहाँ पर हेल्प करेगा। एज वेल एज ये IUCN वाला क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में हमें कॉमनली थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक आना चाहिए, और इसमें क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। प्लस ये आपको और कहीं भी और कई सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है, इवन क्लास 8 में भी हेल्प करेगा, 9th में हेल्प करेगा। मतलब आपको समझना है, आज समझना है कि IUCN की क्लासिफिकेशन क्या है। ऐसा नहीं कि मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक नेचुरली देखो, जो आप हम पढ़ाई कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, क्यों ये क्लासिफिकेशन की गई। ऐसा नहीं कि मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको स्क्रीन पर देख के पता ही चल गया होगा, हम यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स इनके बारे में बात करने वाले हैं, तो डेफिनेटली IUCN किससे संबंधित है, प्लांट और एनिमल्स से। ठीक है, अब आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी बायोडाइवर्सिटी की, बायो डाइवर्सिटी, तो आपको पता है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, बायो में दो चीज़ होगी, ये दो शब्द हो गए, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स, और डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी। तो मतलब किसी भी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी होती है, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, और एक होती है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो तीन प्रकार के इसके टाइप्स हैं, थ्री लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। खैर, मुद्दे की बात यह है कि IUCN क्यों लाया गया। अब जैसा कि आपको पता है, हमारा पूरा की पूरा मतलब जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सारे के सारे देश बहुत ही ज़्यादा मतलब अब प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस विकास के दौर में क्या है, बहुत सारी स्पेसीज ऐसी हैं। देखो, स्पेसीज क्या होती है, एक पर्टिकुलर मतलब कोई कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो ये राइनो दिखा रखा है, तो राइनो एक स्पेसीज हो गई, ये डोडो बर्ड दिखा रहा है, ये एक स्पेसीज हो गई, ये डायनासोर्स हैं, ये एक स्पेसीज हो गई, ये एक प्लांट है, ये एक स्पेसीज हो गई, ये दिखा रखा है यहाँ पर, ये भी एक स्पेसीज हो गई। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें, और इवन ह्यूमन, हम भी क्या एक प्रकार की स्पेसीज हैं। तो आपको पता है, डेवलपमेंट की वजह से, ड्यू टू डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन इंक्रीज, जो ये प्लांट और एनिमल्स है ना, इनकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल्स की संख्या कम होती जा रही है। अगर सोचो ऐसे ही अगर ये चलता रहा, तो फ्यूचर में कुछ बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी, और हो भी गई हैं। तो उन्हीं, अब हमें क्या है, अगर मान लो इनको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एटलीस्ट हमें एक आइडिया तो होना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज की कितनी संख्या रह गई है, एक अनुमान रहना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर हम नहीं पता लगा सकते, मगर रफ तो हम मतलब एक अनुमान तो लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी स्पीसीज बची हुई हैं, और फिर अगर बची हुई हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो IUCN इसी से संबंधित है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित है, जो हमारे वर्ल्ड में जितनी भी प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज हैं, उनका प्लांट और एनिमल्स की इनका क्या करते हैं, एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। और ये जो रिसर्च होती है, या स्पीसीज की जो संख्या होती है, जो जितनी भी स्पीसीज हैं, अब इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उन स्पीसीज को ये क्या करते हैं, इनकी एक बुक आती है जिसको बोलते हैं रेड लिस्ट। तो रेड लिस्ट में, IUCN की एक रेड लिस्ट आती है, वहाँ पर ये डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। तो हमने देख ही लिया बेसिक, तो IUCN कई बार तो फुल फॉर्म पूछ लिया आती है साइंस के पेपर में, बहुत बार, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। तो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन बना रखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेचर मतलब दो चीज़, प्लांट और एनिमल्स। नेचर में क्या क्या चीज़ आ रही है, प्लांट आ रही है और एनिमल्स, इन दो ही चीज़ों को बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में IUCN ऑर्गेनाइजेशन बना। IUCN का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो IUCN क्या करता है, डिफरेंट स्पेसीज होती है जो प्लांट और एनिमल्स की, उनकी स्टडी करता है फॉर 4 ईयर्स, मतलब हर 4 साल में ये स्टडी करके अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ध्यान रखना। और रिपोर्ट जो पब्लिश होती है वो एक बुक में पब्लिश होती है, और उस बुक को बोलते हैं रेड डेटा बुक। और ये रेड डेटा बुक होती है, इसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है इनकी लिस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, अब देखेंगे IUCN की क्लासिफिकेशन। तो IUCN की क्लासिफिकेशन एक ही बार में बता देता हूँ, IUCN ने जो क्लासिफिकेशन की है स्पीसीज की, यहाँ पर ध्यान रखना, स्पीसीज मतलब प्रजाति, ह्यूमन प्रजाति होगी, छिपकली एक प्रजाति होगी, कुत्ता एक प्रजाति होगी। अब स्पीसीज के अंदर भी वैरायटी पाई जा सकती है, किसी दिन मैं एक दिन लेक्चर लूँगा कि जो डाइवर्सिटी के तीन टाइप्स हैं उनको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखो, जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज इवन प्लांट हो या एनिमल्स हो, इनकी स्पीसीज का मतलब बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो IUCN की क्लासिफिकेशन है स्पीसीज की, उसमें 5 क्लासिफिकेशन, मतलब IUCN ने क्या किया है, हमारी दुनिया में जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट और एनिमल की, उनको 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 पहली स्पीसीज है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, दूसरी है इंडेंजर्ड स्पीसीज, तीसरी है वल्नरेबल स्पीसीज, और 4th है रेयर स्पीसीज, और 5th है इनसफिशियंट नोन स्पीसीज।
तो आयुषेन ने क्या किया है, प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज उनको 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक्सटिंक्ट जिनको विलुप्त बोलते हैं, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर और इनसफिशेंटली नोन स्पीसीज। अब एक एक करके हम देखेंगे। पहला एक्सटिंक्ट स्पीसीज, देखो जो जो वर्ड है ना एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, विलुप्त, ध्यान रखना, विलुप्त मतलब गायब भैया, फॉर एवर। देखो तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में ऐसी स्पीसीज आती हैं कि जो पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब नहीं है भाई। ऐसी स्पीसीज जो पहले किसी जमाने में लाइव हुआ करती थी, जिंदा रहती थी, मगर ड्यू टू सम रीजंस वो पूरी तरह से क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ध्यान रखना, द स्पीसीज विच इज नो लॉन्गर फाउंड अलाइव इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो आज की डेट में वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में नहीं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। समझ गए, अब नहीं है, पहले थी बट अब नहीं है। अब क्यों नहीं है, हमने कर दिया उनको बराबर। या कुछ नेचुरल रीजन्स हो सकते हैं, ह्यूमन रीजन्स भी हो सकते हैं, रीजन कुछ भी हो सकते हैं। तो ड्यू टू सम रीजन्स ये क्या हो गई, गायब। यहाँ पर दो आपको याद रखने, पहला है डोडो बर्ड और एक है ये राइनो, सॉरी ये है हमारे डाइनो, राइनो डाइनो एक जैसे लग रहे हैं ना। तो खैर डोडो बर्ड है जिसको वाइल्ड पिजन भी बोलते हैं, ये पूरी तरह से क्या हो गए, एक्सटेंट हो गए। दूसरा है डायनासोर, तस्मानियन टाइगर, अरे ये एक्चुअली क्या कॉमन ही लग रहा है यहाँ पे, राइनोसोर, ये कई सारी स्पेसीज हैं, डायनासोर, तस्मानियन टाइगर, वाइल्ड पिजन, रेनिया प्लांट, ये 5 दे रखी हैं यहाँ पर, ठीक है। डाइनो, वाइल्ड पिजन, डायनासोर्स और तस्मानियन टाइगर, ठीक है। तो ये 5 हैं। कई बार क्या है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राइट द नेम ऑफ एनी 2 एक्सटिंक्ट स्पेसीज, तो आप बता देना डोडो बर्ड, वाइल्ड पिजन और तीन चार पूछ रहे तो डायनासोर, तस्मानियन टाइगर, रेनिना प्लांट, ये हैं एक्सटेंट स्पेसीज। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि आपको ध्यान रखना कि एक्सटेंट स्पेसीज क्या होती हैं, ऐसी स्पेसीज जो आज की डेट में वर्ल्ड के किसी भी भाग में नहीं पाई जाती हैं वो कहलाती हैं एक्सटेंट स्पेसीज। हाँ ये पहले थी अब नहीं है, ठीक है। दूसरा है इंडेंजर्ड स्पेसीज। इंडेंजर्ड देखो इसमें एक चीज़ समझ लो, इंडेंजर्ड स्पेसीज में ऐसी स्पेसीज आती हैं जो खत्म होने की कगार पर है। अब खत्म होने की कगार को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने की कगार पर है और फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाएंगी, इफ मतलब अगर टाइमली एक्शन इज नॉट टेकन, अगर समय पर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो ये स्पीसीज फ्यूचर में बन जाएंगी एक्सटिंक्ट स्पीसीज, और ऐसी स्पीसीज को ही बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो कान खोल कर, ऐसी स्पीसीज जो ख़त्म होने की कगार पर हैं और फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, अगर, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इफ टाइमली एक्शन इज नॉट टेकन, अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया तो ये स्पीसीज क्या हो जाएंगी, ख़त्म, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुई है, एक्सटिंक्ट नहीं हुई दुनिया से, दुनिया में है मगर ख़त्म होने की कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, अगर आपने उनको बचाने के लिए प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, आपने मतलब पूरी दुनिया ने, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, ऑल कंट्रीज, ठीक है। अब हम तुम तो अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसमें देशों को सबको मिलके काम करना पड़ेगा। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, ये है चीता, ये है टाइगर, ये है गैंगेटिक डॉल्फिन। और गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि गैंगेटिक डॉल्फिन जो है हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल वाटर एनिमल, कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट राइट द नेम ऑफ नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो आपको बताना है गैंगेटिक डॉल्फिन। साथ ही साथ में एंडेमिक स्पीसीज भी है, एंडेमिक एक बार तो आपने सुना ही होगा, एंडेमिक, तो एंडेमिक स्पीसीज कैसी होती हैं, ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती है, उसके अलावा वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, ओके। और तो गैंगेटिक डॉल्फिन अपनी नेशनल वाटर एनिमल भी है या एक्वेटिक एनिमल। ये है गिंको बिलोबा प्लांट है, ये वाला प्लांट है गिंको बिलोबा, ये खत्म होने के कारण में, सर्पगंधा, ये वाला सर्पगंधा और राइनो यहाँ पे दिखाई रखा है। तो ये सारी की सारी स्पीसीज हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल मस्ट रेड रखने आपको याद, वल्नरेबल स्पीसीज, तीसरी क्लासिफिकेशन है वल्नरेबल। तो वल्नरेबल में ऐसी स्पीसीज आती हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, बहुत तेज गति से संख्या कम हो रही है, कुछ स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है और फ्यूचर में वो बन जाएंगे वो बन जाएंगे इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत ही तेज गति से कम हो रही है, ड्रास्टिकली कम हो रही है, और फ्यूचर में क्या हो जाएंगी, वो इंडेंजर्ड हो जाएंगी, तो वो स्पीसीज कहलाती हैं वल्नरेबल। देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द स्पीसीज हूज नंबर इज फॉलिंग ड्रास्टिकली,
टेरेस्ट्रियली का मतलब है बहुत तेज गति से, बहुत शार्पली ऐसे नीचे जा रहे धड़ाम से, ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत तेज गति से डाउन हो रही है टेरेस्ट्रियली, और विच इज एट द रिस्क ऑफ बिकमिंग इंडेंजर्ड, और वो किसकी कगार पर हैं, इंडेंजर्ड होने की कगार पर हैं, वो स्पीसीज कहलाती है वल्नरेबल स्पीसीज। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। ओके, पहला याक, ये याक देख सकते हैं, नीलगिरी ताहर, ये है नीलगिरी ताहर, रेड पांडा, ये है रेड पांडा, कितना खूबसूरत है, कोबरा भैया दूर रहना बच के, खूबसूरत तो नहीं है ब्लैक बग, और ये है ब्लैक बग। तो ये स्पेसीज होगी हमारी कौन सी, वल्नरेबल, ध्यान रखना इनको पड़ेगी, इसलिए मैंने पिक लगा दिया आपको ताकि याद हो जाए आपको। तो याक, नीलगिरी ताहर, रेड पांडा, कोबरा और ब्लैक बग, रेयर स्पेसीज, रेयर नाम से ही पता चला, जब भी कोई बर्ड आप सुनो ना, रेयर, रेयर मतलब बड़ा मुश्किल, रेयर का मतलब क्या होता है, बहुत ही मुश्किल है भैया, कहते हैं ना कि भाई आप ये काम कर लोगे, जो कर तो सकता हूँ थोड़ा रेयर, मतलब आपके पास ये चीज़ मिल जाएगी, रेयर है, रेयरली, तो रेयर, तो ध्यान रखना रेयर, रेयर मतलब बहुत ही मुश्किल। तो द स्पेसीज विच इज फाउंड इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया एंड हैज स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड रेयर स्पेसीज, ऐसी स्पेसीज जो बहुत ही लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं और जिनकी संख्या बहुत ही कम है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, वो कहलाती हैं रेयर स्पेसीज। ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ पे पाई जाती हैं, लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, मतलब हर जगह नहीं पाई जाती हैं, लिमिटेड जगह पर पाई जाती हैं और इनकी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही कम है, इनको हम बोलते हैं रेयर स्पेसीज। एग्जाम्पल देखो भाई, इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहला है रेड वॉल्फ, ये है रेड वॉल्फ, हैनान गिबन, ये है हैनान गिबन, ये है जावा राइनो, ये है जावा राइनो। ठीक है, और लास्ट है इनसफिशेंटली नोन स्पेसीज, इनसफिशेंट मतलब अपर्याप्त, जैसे मोबाइल में मैसेज आता है ना, यू डू नॉट हैव प्रॉपर बैलेंस और यू योर बैलेंस इज इनसफिशियंट टू मेक ए कॉल। ठीक है, तो इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्त, तो ऐसी स्पेसीज जिनके बारे में हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कोई, अबे पता तो जब चलेगा, तो द स्पेसीज अबाउट विच वी हैव इनसफिशियंट नॉलेज, जिनके बारे में हमें इनसफिशियंट नॉलेज है, उनको हम बोलते हैं इनसफिशियंट नोन स्पेसीज। अगर सफिशियंट नॉलेज होती तो उनको इन चारों में डाल देते पिछली वाली में, ठीक है, कोई किसी एक कैटेगरी में, तो यहाँ पे कोई नॉलेज ही नहीं है तो उनको हमने डाल दिया इनसफिशियंट नोन स्पेसीज। तो पाँच क्लासिफिकेशन होगी, ध्यान रखना एक बार में फटाफट 2 सेकंड में आपका रिविजन करा देता हूँ। ठीक है, एक्सटेंट स्पेसीज, ऐसी स्पेसीज जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं इस दुनिया में, कहीं भी उनकी एक भी स्पेसीज लाइव नहीं पाई जाती है, उनको बोलते हैं एक्सटेंट स्पेसीज। हाँ, ये पहले हुआ करती थी मगर अब नहीं है। एंडेंजर्ड स्पेसीज, ऐसी स्पेसीज जो खत्म होने की कगार पर हैं, एक्सटेंट होने की कगार पर हैं और फ्यूचर में एक्सटेंट हो जाएंगी अगर प्रॉपरली एक्शन कोई नहीं लिया गया टाइम पर। वल्नरेबल स्पेसीज, ऐसी स्पेसीज जिनकी संख्या ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो रही है, बहुत कम हो रही है और फ्यूचर में वो इंडेंजर्ड हो जाएंगी, इंडेंजर्ड होने की कगार पर हैं। रेयर स्पेसीज जो बहुत ही लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती हैं, कहीं कहीं पाई जाती हैं, उनको हम रेयर स्पेसीज बोलते हैं और इनकी संख्या बहुत ही कम है। और इनसफिशिएंटली नोन स्पेसीज का मतलब है ऐसी स्पेसीज जिनके बारे में हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर डेटा नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको हम बोलते हैं इनसफिशिएंटली नोन स्पेसीज। ठीक है, सो इस लेक्चर की PDF आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है लक्की एजुकेशन, कैसे डाउनलोड करना है यहाँ पर आप देख सकते हो। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।